बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ प्रोफेसर ज़रताशा आफ्ताब। एज यू नो, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि वो इंजॉय करें और साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ें और बेनिफिट्स भी देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज़ अबाउट वेजिटेबल्स। जी, डेली रूटीन में हम सब्जियां खाते हैं, हम सैलड की फॉर्म में खाते हैं, हम जूसेस लेते हैं, हम जो उस घर में खाना बना रहे होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि डेली रूटीन में हम जो वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको कौन से मिनरल्स मिल सकते हैं, उसमें कौन से वाइटामिन होते हैं, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड सबसे बड़ी बात, उसका क्या बेनिफिट होता है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, मे बी कोई इंपॉर्टेंट बात रह जाए, तो लाजमी पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो कि जो हम डेली रूटीन में वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं उसका हमें क्या फ़ायदा है, वो हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और विटामिंस प्रोवाइड करता है, हमें उसको कितना यूज़ करना चाहिए। सो होप गाइस कि आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गार्लिक। गार्लिक हमें पता है, दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ आवर फूड। पाकिस्तानी घरों में गार्लिक, जिंजर, कोरिएंडर, इनके बगैर हमारा खाना मुकम्मल नहीं होता। गार्लिक को हम यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोव्स, इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ जूस। तो इसको डिफरेंट वे से हम यूज़ किया जाता हम यूज़ करते हैं हमारे खाने में। हम जो भी खाना बनाएं उसमें गार्लिक हम लाजमी यूज़ करते हैं। गार्लिक तो हम यूज़ कर रहे होते हैं, बट वी डोंट अवेयर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ गार्लिक। हम बस यूज़ कर रहे हैं, हमें पता है कि ये पार्ट है, हमें यूज़ करना है, बट ये हमें कौन कौन से फ़ायदे देता है हमें वो नहीं पता होता, जो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। आपके सामने स्क्रीन पर सब कुछ शेयर हो रहा है कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रखते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखते हैं, एनर्जी ज्यादा देते हैं, पुअर डाइजेशन को ठीक करते हैं, उसके अलावा लिकोमिया में बहुत बेनिफिशियल होते हैं, नज़ला, खांसी, जुकाम में बहुत बेनिफिशियल होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। अगर किसी के दांत में दर्द हो रही है अगर, तो वो ये क्लॉव का एक पीस क्लॉव लेते हैं, गार्लिक क्लॉव, और अपने टीथ पे रख लेते हैं, तो उससे बहुत सूथिंग इफेक्ट मिलता है। एलर्जीज में यूज़ किया जाता है, स्टमिक की बीमारी में यूज़ किया जाता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में इसको यूज़ किया जाता है, एंड इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। सो गाइस, इट हैज़ मैनी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स ऑन आर बॉडी, तो लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा। जी गाइस, नेक्स्ट इज़ जिंजर। जिंजर गार्लिक दोनों इकट्ठे यूज़ होते हैं, एज़ यू कैन से दे आर ब्रदर्स सिस्टर। जहाँ पे जिंजर यूज़ होता है वहाँ पे गार्लिक भी यूज़ होता है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तानी या एशियन खानों की, तो वहाँ पे जिंजर गार्लिक लाजमी यूज़ किया जाता है। अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। मिग्रेन रिलीफ में यूज़ होता है, जो आधे सर का दर्द होता है, ये अगर हमारी बॉडी में कहीं पर इन्फ्लेमेशन हो गई है उसके लिए बेनिफिशियल है, बॉडी में कहीं दर्द हो रही है उसके लिए बेनिफिशियल है। ये ओवेरियन कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, कोलन कैंसर प्रिवेंशन में यूज़ होता है, बॉडी में जो क्रैम्प्स पड़ते हैं उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम में, और सबसे बड़ी बात कि ये वज़न कम करने में बहुत बेनिफिशियल होता है। जी, नेक्स्ट देखते हैं टोमेटो। टोमेटो का सॉस हम खाते हैं, कैचअप खाते हैं, हम डिफरेंट कैचअप्स खाते हैं, चिली सॉस खा ली, प्लेन सॉस खा ली, तो अब हम टोमेटो तो बहुत ज़्यादा यूज़ करें, इन द फॉर्म ऑफ कैचअप, इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, लेकिन अब होता क्या है, हम खा तो लेते हैं बट वी डोंट नो अबाउट द बेनिफिट्स। ये क्या करता है, हमारी नज़र को तेज़ करता है, नज़र, हमारा विजन, अगर किसी की आईसाइट वीक है तो टोमेटो खाने से उसकी आईसाइट इम्प्रूव हो जाती है। डायबिटिक्स जो होते हैं पेशेंट्स, उनके जो डायबिटिक लेवल होता है, शुगर लेवल होता है, उसको मेंटेन करता है, यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन से बचाता है, डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है, उसके अलावा जो स्टोन्स होते हैं उनको, गॉल स्टोन्स जो होते हैं उनसे बचाता है, और ये हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो हम टोमेटो से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैरेट। यस, रैबिट को बहुत पसंद होती है,
तो कैरेट में हम कैरेट तो खा लेते हैं, हम सर्दियों में गाजर का हलवा खाते हैं, हम गर्मियों में सैलड में के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, तो कैरेट इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इसमें हमें हमारे पास कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, लाइक पोटेशियम, सोडियम, फोस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैगनीज। उसके अलावा इसमें हमारे पास जो वाइटामिन होते हैं, B4, C, B3, B5, B5, B6, B1, B2 एंड A। अब हमें इससे एनर्जी कितनी मिलती है? 100% एनर्जी मिलती है, लेकिन इसमें कैलोरीज कितनी होती हैं? 41 कैलोरीज होती हैं। फैट 0.24। तो अगर कोई पर्सन जो डाइट पे है वो कैरेट का यूज़ इजीली कर सकता है। जी अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं। ये भी हमारी नज़र को इम्प्रूव करता है, नज़र तेज़ करता है, कैंसर से बचाता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है, उसके अलावा हमारे ओरल हेल्थ जो हमारी माउथ की सारी होती है उसको इम्प्रूव करता है, और हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, ना हाई होने देता है ना कम होने देता है। जी गाइस, नेक्स्ट हमारे पास जो वेजिटेबल है वो है ऑनियन। अनियन, आपको पता है कि अनियन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेन पार्ट ऑफ एनी फूड। अनियन के बगैर तो हम खाना बनाना स्टार्ट कर ही नहीं सकते। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको फ्राई करते हैं, फिर ही हम नेक्स्ट सोचते हैं कि अच्छा जी अब क्या बनाना है। तो अनियन के बेनिफिट्स देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या है। इससे हमें वाइटामिन सी मिलता है जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है, एक्ने रिमूवर होता है, मॉस्किटो रिपेलेंट होता है, सूथिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और कैंसर प्रिवेंशन के तौर पर यूज़ होता है। जी लेमन, गर्मियाँ चल रही हैं, आपको पता है गर्मियों में हम लेमन जूस बहुत पीते हैं, तो लेमन हम ले तो रहे हैं, लेमन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें कौन से वाइटामिन्स हैं, इसमें न्यूट्रल्स कौन से हैं, इसमें मिनरल कौन से हैं। अब सबसे पहला तो काम क्या है जी, अगर हम सुबह निहार मुँह लीमू गर्म पानी में डाल के पीते हैं एक गिलास में, तो ये क्या करता है, हमारा वेट लूज करता है, ये हमें नज़ला ज़ुकाम से बचाता है, उसके अलावा अगर नोज़ ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करता है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, दांत साफ़ करने के लिए अगर टीथ पे फिलाहट आ रही है तो उसको अगर हम लेमन रब करते हैं ये उससे हमें बेनिफिट देता है, कहीं से गंदी स्मेल आ रही होती है तो वहाँ पे अगर हम लेमन जूस या लेमन का स्प्रे कर दें तो उससे वो क्या करता है, एक सूथिंग स्मेल क्रिएट करता है, डैंड्रफ खुश्की को ख़त्म करता है, बालों में शाइनिंग देता है, हमारा जो कॉन्स्टिपेशन हो जाती हैं उसके लिए बहुत मुफीद है। अब इसमें मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, कॉपर होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, वाइटामिन सी होता है, वाइटामिन B6 होता है, और साथ में न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, डेली फाइबर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है और प्रोटीन होता है। उसके अलावा अगर हम ब्यूटी टिप्स की बात करें तो ये हमारे फेस पे जो ब्लैक हेड्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं या रिंकल्स होते हैं उसको भी खत्म करने में यूज किया जाता है। जी गाइस, नेक्स्ट इज पोटैटो। पोटैटो कहाँ पे यूज़ करते हैं जी, पोटैटो चिप्स खाने में। जैसा कि हमें पता है कि बच्चे बड़े बूढ़े सब ही चिप्स के बहुत शौकीन होते हैं, दो दो किलो आलू का ट्रे होते हैं और क्या होता है जी, चिप्स फ्राई हो रही है, सब मिलके इंजॉय करते हैं। अब पोटैटो तो हम खाते हैं, अब ये क्या है जी, नो कोलेस्ट्रोल, इसमें कोलेस्ट्रोल बहुत कम होता है, ये वाइटामिन सी का फुल सोर्स है, कैलोरीज बहुत कम होती हैं, इससे हमें वाइटामिन B6 मिलता है, आयोडीन मिलता है और थायमिन मिल सकता है, मिनरल्स इसमें बहुत होते हैं, ये हमारे डाइट्री फाइबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट्स का एक सोर्स है, पूरा प्रोटीन का सोर्स है, और इससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है, बूस्ट अप रखता है हमें। जी नेक्स्ट इज स्वीट पोटैटो, जिसको हम बोलते हैं शकरकंदी। शकरकंदी कौन कौन शौक से खाता है, मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ और मुझे पता है कि आप सब भी बहुत शौक से खाते होंगे, ऊपर मसाला डाल के लीमू स्क्वीज करके, वाओ बहुत यमी लगता है। अब इसमें होता क्या है, वाइटामिन B6 होता है, वाइटामिन डी होता है, मैग्नीशियम की बहुत क्वांटिटी होती है, कॉलिन होता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। उसके अलावा दिस इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, एस्कॉर्बिक एसिड होता है और शुगर एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज करता है हमारी बॉडी में, वेट गेन करने के लिए यूज होता है। सो गर्ल्स, इसको ध्यान से खाइएगा, इसकी क्वांटिटी देख के खाइएगा, ये ना हो कि हम शौक शौक में खाए तो जाएं और बाद में हम गोलगप्पे बने हों, तो प्रमोट वेट गेन। नेक्स्ट इज कुकम्बर, खीरा। खीरा
खीरा तो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, हमें पता है समर चल रहा है और खीरा हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? हम इसका जूस बनाते हैं, उसके अलावा हम इसको एज सच भी खाते हैं और हम सैलड में भी यूज़ करते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है जी? हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, अल्सर को की जो होती हैं डिजीजेज उसमें बेनिफिशियल होता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, सर दर्द को ठीक करता है। खीरे में एक हाई कंटेंट होता है वाटर का, तो ये गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, जिससे हमारी स्किन पर ग्लो आता है। अगर हम खीरा रेगुलरली खा रहे हैं तो हमारी स्किन अच्छी होती है, एंटी कैंसर होता है ये, और हमारे बाल अच्छे हो जाते हैं, हमारे स्किन पर जो पिम्पल्स होते हैं या हमारे स्किन पे जो रिंकल्स होते हैं उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आपको तो पता है कि जब हमारी आईज में पेन हो रही हो, तो जब हम खीरे का एक स्लाइस रखते हैं, क्यूकम्बर स्लाइस रखते हैं, उससे एक बहुत सूथिंग इफेक्ट मिलता है और हमारे जो डार्क सर्कल्स होते हैं ये उसको रिमूव कर जाता है। जी नेक्स्ट इज रेडिश। रेडिश इज मूली। जी रेडिश मूली। मूली को भी आपको पता है कि हम सैलड में यूज़ करते हैं। अगर आपको याद हो तो स्कूल लाइफ या जो भी स्कूल गोइंग है वो क्या करते हैं, स्कूल से वापसी पे मूली के जो स्लाइसेस किए होते हैं और ऊपर मिर्च मसाला लगा के उसको खाते हैं, यमी सा लगता है। गर्ल्स ने तो बहुत खाई होगी, आई गेस बॉयज़ भी खाते हैं। अब ये किस लिहाज से बेनिफिट है जी? ये वेट लूज करने के लिए बेनिफिट है। तो गर्ल्स सुन लें, अगर वजन कम करना है तो मूली रेगुलरली खाएं। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, बॉडी में इम्यूनिटी बिल्ड करता है, इम्यूनिटी ज़्यादा करता है, स्किन की ग्लो के लिए यूज़ किया जाता है, रेस्पिरेटरी को सिस्टम को बेनिफिशियल होता है, उसके लिए अच्छा होता है, उसको ठीक करता है, और हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट की जो सर्कुलेशन, जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, कैंसर के अगेंस्ट फाइट करता है, और उसके अलावा यूरिनरी डिसऑर्डर्स में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। जी कोरिएंडर। धनिया। धनिया भी यूज़ करते हैं हम, गार्निश करने के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली। ये भी हमारे खाने का एक बहुत अहम पार्ट होता है, या हम इसको यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, धनिया के बीज यूज़ करते हैं, एंटी कैंसर होता है, एनीमिया से बचाता है, स्मॉल पॉक्स जो निकल आते हैं डिजीज़ जो दाने टाइप होते हैं उससे, डायबिटीज़ के लिए, आई केयर्स में, डाइजेशन में, अल्सर की ओर होता है, स्किन प्रॉब्लम में, डायरिया में, प्रिवेंट बैड ब्रेथ गंदी सांस के लिए, लोअर कोलेस्ट्रोल होता है, बोन की हेल्थ के लिए बहुत होता है। तो दीज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ कोरिएंडर जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। जी नेक्स्ट इज मिंट लीफ। मिंट लीफ हमें पता है कि एक सूथिंग इफेक्ट देते हैं, एक रिलैक्सिंग इफेक्ट देते हैं, इसकी तो फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होती है कि हमारे जब हम इसको स्मेल करते हैं तो एक बहुत अच्छा सा फील होता है, मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है, आई होप आपको भी अच्छा फील होता होगा। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट, दिस इज़ वेरी गुड फॉर स्किन। गर्मियों में हम इसको इन लेमन जूस या हम इसका लेमन मिंट की ड्रिंक बना के यूज़ करते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा रिलैक्सिंग इफेक्ट मिलता है और हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं और हमारी प्यास भी खत्म हो जाती है, डाइजेशन में बहुत इंप्रूव होता है, कैंसर से बचाता है, सनबर्न के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सर में जो डैंड्रफ होता है खुश्की उसके लिए होता है, अगर किसी के जैसे फेस सम लोगों कुछ लोगों के ऐसे होता है कि अगर उनका स्टमिक इशू है तो मुंह में से स्मेल आती है, तो उस स्मेल के लिए बहुत अच्छा है। अक्सर आपने देखा होगा अगर हम बबल्स लेते हैं तो मिंट फ्लेवर की बबल्स होती हैं, वो क्यों मिंट फ्लेवर की होती हैं कि मिंट एक इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस देता है, इतनी मज़े की देता है कि खाने वाले को भी अच्छा लगता है और जो पास बैठा है उसको भी अच्छा फील होता है। जी गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इसको शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस मिल सकें, और मैं अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बना सकूँगी। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।